वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब। आज का टॉपिक मुझे बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि मेरे लिए बड़ी डिफरेंट चीज़ है। हमारे शो का चूँकि फॉर्मेट नहीं था और हमने थोड़ा चेंज किया है और ये डिस्कशन हमारे शो में मेरे ख्याल से पहली बार हो रही है। इससे पहले एस्ट्रोलॉजर आते लेकिन चूँकि आज हम डिटेल में बात कर रहे हैं मेरे कॉन्सेप्ट भी बहुत ज़्यादा क्लियर हो रहे हैं। डॉक्टर मोहम्मद अली और सैयद अली जैदी हमारे साथ मौजूद हैं, हम कॉल्स भी ले रहे हैं। अच्छा जरदारी साहब, ये जो हुकूमत के सिनेरियो के हवाले से आपकी कुछ प्रोडक्शंस भी हमने देखी, क्या थी वो? जरदारी साहब, पहली बात ये है कि वो उनकी पार्टी भी जवाल में जाएगी और उनको सजा होने के भी इम्कानात हैं और उसके साथ इनकी जो पार्टी के अफराद हैं वो पाकिस्तान में से भी गिरफ्तार होंगे और बैरून मुल्क भी गिरफ्तारियाँ होंगे जिन जिन पर कुछ भी एलिगेशन है। और उसके साथ एक जरदारी साहब के साथ एक बड़ा सीरियस मसला हो सकता है जिसमें यह है कि उनके खून की रफ्तार जो है वो मेरे हिसाब के अंदर कम हो रही है। जो दौरान खून है वो उनका सुस्त हो चुका है, मे भी उनको रियल में हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। खून से, खून के ब्लड प्रेशर और हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है और आगे जो कुछ अरसे बाद ये बिल्कुल मंजर से गायब होंगे और इनका आगे कोई रोल नहीं। और आज तो शहबाज शरीफ साहब की पेशी भी है, इसके हवाले से क्या आप? शहबाज शरीफ के हवाले से तो पहले भी मैं प्रेडिक्शन कर चुका हूँ कि इन्होंने गिरफ्तार होना था। तो ये गिरफ्तार है, बरस शरीफ फैमिली के किसी भी मेंबर का सियासत में आगे कोई रोल नहीं है। ये मजीद ही जवाल पजीर होंगे। और एक बात और मेरे हिसाब में आ रही है कि मियाँ साहब और मरियम नवाज के नाम जो हैं वो ECL से निकाले जाने के भी इम्कानात हैं और इम्कान है कि ये शायद ट्रैवल कर जाएं। अच्छा आपका डॉक्टर मोहम्मद अली साहब, चूंकि हम बात करें खुशबू एक वो भी एलिमेंट था जिसको हम डिस्कस करना चाहेंगे, उसके जरिए भी आप थेरेपीज करते हैं लोगों की और ना सिर्फ स्पिरिचुअली आपने रूहानी तरीके से भी उनको बहुत ज़्यादा गाइडेंस दी जाती है, तो इससे भी बहुत सारे लोग मेरे ख्याल से इसकी तरफ आते हैं क्योंकि एक रूहानियत का जब एलिमेंट आ जाए तो लोगों की पॉजिटिविटी एक चीज़ की तरफ बढ़ जाती है। बिल्कुल, ये खुशबू का जो कॉन्सेप्ट है बाहर इसका जो मोडस ऑपरेंडी है वो थोड़ा सा और है। ठीक है, मगर मैंने जब बाहर प्रैक्टिस की तो मैंने इसको कुरान पाक के साथ कंबाइन किया। होता यह है कि जो रूहानियत है उसका ताल्लुक है अरवाह के साथ। ठीक है, तो हर हर्फ के ऊपर एक रूह अल्लाह ने मुकर्रर की है, बल्कि चार अरवाह मुकर्रर की हैं। हर रूह जो है उसकी एक पसंदीदा खुशबू है। सही। आप अल्लाह पाक का इस्म कोई भी पढ़ते हैं, हाँ। एक मखसूस खुशबू लगा के अगर वो डायग्नोस सही हो गई है कि ये इस इस्म से रिलेट कर रही है खुशबू और आपके नाम से भी रिलेट कर रही है, तो फिर जब आप उसको पढ़ते हैं अपने किसी खास मकसद के लिए तो उसका असर जो है वो तेज होता है खुशबू का यहाँ पे। ठीक हो गया, हमारे साथ कॉल है जी सना। अच्छा मैं कहूँगी कि आप लाइन ड्रॉप मत कीजिएगा ताकि जब डॉक्टर साहब आपको बताएं या कोई सवाल करना चाहे तो आपको भी आइडिया हो। सना हमारे साथ है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम उर्मिला। वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ सना, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ उर्मिला, आप ठीक है ना? मैं ठीक। सना कुछ पूछना चाहेंगे डॉक्टर मोहम्मद अली साहब से? उर्मिला मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ बताऊँ उनको? बिल्कुल बताए अपना। हाँ बताए। उर्मिला मेरी है 4 दिसंबर 1982 और वालिदा का नाम? वालिदा का नाम है गुलनार। गुलनार। और उर्मिला मुझे अपनी सेहत के बारे में पूछना है, मतलब मैं बीमार बहुत ज्यादा रहने लग पड़ी हूँ ना, कभी मेरे बाजू में दर्द, कभी मुझे बीपी प्रॉब्लम, कभी हार्ट बीट का प्रॉब्लम, मुझे ये पूछना है अपनी सेहत के बारे में। ठीक है, इनकी सेहत जो है वो इस वजह से थोड़ी सी डिटेरियेशन का शिकार है क्योंकि ये नंबर 7 है। नंबर 7 रिलेट करता है रूहानियत के साथ और ये जो सना बीबी हैं ये पढ़ाइयाँ बहुत करती हैं, हाँ। और जिसकी वजह से, और ये मतलब ठीक है कुछ इजाज़त से हैं कुछ वैसे ही मामलात हैं, इसकी वजह से जो है एक तो ये वजह है, ठीक है, इनकी सेहत की खराबी की कि अगर ये अपनी दवाई वो इस्तेमाल करें जो इनको रिलेट करती है, जो जिसकी इनको जरूरत है, ठीक, तो फिर तो ये ठीक होंगी। हाँ। आपको वेलोसेफ की जरूरत है, आप ऑगमेंटन खाएंगे तो आप वेलोसेफ से भी रेजिस्टेंट हो जाएंगे और ऑगमेंटन में फायदा नहीं करेंगे। ठीक है, जिस चीज की जरूरत है उसका ही। रूहानी तौर पर बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, ठीक है, और इनको इनकी इंट्यूटिव जो सलाहियत है वो बहुत ज्यादा है, तो इनको ये चाहिए कि बड़ी सिलेक्टिव होके पढ़ें। और दूसरा ये है कि गुस्सा जो है इसके ऊपर कंट्रोल रखें। सना ठीक है, आपने सुन लिया, आपने गुस्से पे कंट्रोल करना है और रूहानियत भी उतनी नॉर्मल तरीके से करनी है जिसकी जरूरत है, ठीक है। और सना की लाइन मेरे ख्याल से ड्रॉप हो गई है, ड्रॉप हो गई। नेक्स्ट कॉल में हम लेंगे जी, आप क्या कहना चाहें?
मैं सना के लिए कहना चाह रहा था कि इनके जिस्म में लेफ्ट साइड पर कोई प्रॉब्लम है। अच्छा। और ये काले के कपड़े वगैरह बहुत कम इस्तेमाल करें और इसके साथ ये काले माश का सदका दें, वजन 200 ग्राम हो। जो अभी हम बात कर रहे थे स्पेसिफिक स्मेल जो अरोमा है उसके हवाले से भी, तो ये थेरेपी कितना टाइम टेकिंग होती है और कितनी इफेक्टिव है इसके रिजल्ट्स? ये मतलब दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, जो भी पेशेंट है उसकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है। कुछ चीजें जो हैं वो 3 से 5 थेरेपीज में ठीक हो जाती हैं। ठीक है, क्योंकि मुस्लिम्स भी हैं तो नॉन मुस्लिम्स भी हैं, उनका तरीका थोड़ा सा और है। ठीक है, उनके लिए और, जो मुस्लिम्स हैं उनके लिए और है। तो 3 से 5 जो है वो मिनिमम थेरेपीज चाहिए होती है। उसमें ये होता है कि फ्यूमिगेशन भी करते हैं और कुछ खुशबू की जो होती है धुनी आप कहना चाहें वो भी देनी होती है, और स्पेसिफिक लाइट के अंदर उसको रख के वो दिया जाता है स्पेसिफिक अमराज के। अच्छा, मुझे लगता है कि ये जो आप कह रहे एस्ट्रोलॉजी और इससे रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा स्पिरिचुअल तरीकाकार भी है, हम इसको प्रॉपरली उसमें नहीं कह सकते, एक स्पिरिचुअल वे भी है। हर चीज के अंदर एक स्पिरिट है, स्पिरिट के बगैर कुछ भी नहीं, नहीं हो सकता। तो डेफिनेटली यू आर राइट कि स्पिरिचुअलिज्म ही है जो काम कर रहा होता है। सही, ठीक हो गया। अच्छा जनाब, आपसे भी अभी आप जैसे सना के बारे में बता रहे थे, क्योंकि आप हाथ के लाइंस की और सारी चीजें अकॉर्डिंग, तो सना का आपने कैसे बताया? सना का ऐसे है, जिस वक्त उन्होंने डेट ऑफ बर्थ बोली ना, मेरा ज्यादा पामिस्ट्री पर फोकस होता है। ठीक है, ठीक है। तो उनकी डेट ऑफ बर्थ से ही मेरे जहन के अंदर उनका जायचा आ गया कि उनको जिस्म में लेफ्ट साइड पर प्रॉब्लम है। तो ये जाहिर सी बात है, एक पामिस्ट और मैं इन अलूम से वाबस्ता हूँ, तो इस चीज की हर चीज को मैं पढ़ता हूँ, रीड करता हूँ, मैं जायचा भी बना लेता हूँ और नंबरियोलॉजी का भी मेरे पास इल्म है, लेकिन मेरा फोकस पामिस्ट्री पे। ठीक है, मैं से कॉलर जी साजिद, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी साजिद साहब, क्या कहना चाहेंगे? जी मैं अपने डेट ऑफ बर्थ बताता हूँ तो उसके बारे में बताइएगा जरा। जी बताएं डेट ऑफ बर्थ और वालदा का नाम, आपने दोनों बताने। जी जी 14 अगस्त 1976। वालदा का नाम? वालदा का नाम जरीना बीबी। जरीना बीबी, क्या सवाल क्या आपका साजिद गौरी साहब? जी मैं चाहता हूँ कि पूछना चाह रहा हूँ कि मेरे आज के हालात आजकल बड़े डाउन जा रहे हैं। ठीक है, तो उसके बारे में से पूछना था। हालात क्या है? नंबर 5 है जी साजिद साहब, और इनके हालात जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है, ये परेशान ज़्यादा हैं, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है। उसमें सिर्फ एक इनकी जो चीज़ है वो ठीक होने वाली है, नमाज की जो पाबंदी है वो नहीं है। इस वक्त 5 हैं, पंचन पाक वाला फिगर है, मगर रीडिंग जो है दुरूद पाक की कसरत करेंगे तो ये जो भी सो कॉल्ड इनकी जो भी परेशानी है उससे ये निकल जाएंगे इंशाल्लाह। लवली लवली, ठीक है साजिद साहब, आपको जवाब मिल गया होगा। और ये भी अच्छा, अब बहुत सारे लोग जो हैं आप इस तरह की जो चीजें हैं जैसे हम अभी बात करें, जिस पर डिस्कशन करें, उस पर कुछ बहुत ज्यादा बिलीव भी रखते हैं, कुछ बहुत मिडिल सा भी रखते हैं। बिल्कुल, उसकी रीजंस क्या थी, क्या उन पे इफेक्टिव वो चीज नहीं होती या उनका कुछ रिस्पांस ऐसा नहीं होता, कुछ एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी तो होता होगा डॉक्टर? इसका एक वजह बड़ी ये है ना यकीन होने की, क्योंकि परहैप्स द पीपल हु एक्सपीरियंस दिस, उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। हाँ। उनको उनकी तशखीस सही नहीं हो सकी, और तशखीस जब तक सही नहीं होगी इलाज ठीक नहीं होगा। That can be one of the reasons. Reasons, ठीक हो गया। अच्छा, आपने तो abroad में भी प्रैक्टिस की है, हम वहाँ पर लोगों की बात करें, यहाँ पे बात करें, डिफरेंस क्या नजर आया? यहाँ पे जो है कन्वेंशनल ऑर्थोडॉक्स सिस्टम, इस पे बिलीफ बहुत ज्यादा है। खानकाही निज़ाम है पाकिस्तान में ना, पाकिस्तान है, इंडिया है, इसमें खानकाही निज़ाम है, जबकि बाहर जो है वो एनालिसिस के ऊपर जाने वाले लोग हैं, वो ये नहीं देखते कि नया है पुराना है, वो देखते हैं, एनालाइज करते हैं, और जो उनके एनालिसिस में फिट इन होता है वो उसको एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, अच्छा अली साहब, अभी हम बात कर रहे थे, आपने शरीफ फैमिली की बात की, जो मियां साहब के साहबजादे बाहर हैं उनके हवाले से क्या आप? वो तो जो बाहर हैं वो तो नहीं आएंगे, साथ में एक चीज मैं साथ अपनी प्रेडिक्शन के साथ एक ऐड कर दूं कि जो अदलिया की जानिब से गैर मुतवक्के तौर पे फैसले आ सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि इनका नाम ECL से निकाले जाने के भी इम्कानात हैं, और इन्होंने इधर से चले जाना है, और शहर सी बात है जब वो इधर आएंगे नहीं तो उन पर कौन सा केस फाइल होगा, किस चीज की पैरवी होगी, वो तो पॉसिबिलिटी में है ही नहीं। और इनके साथ NRO का मामला नहीं होगा, ये मामला जो भी इनके होंगे गिव एंड टेक के साथ होंगे, जैसे यूं लगा लें पुली बार्गेनिंग,
ठीक है, इनको देनी पड़ेगी कुछ चीज, ये ऐसे नहीं जा सकते, आसानी से जान छूटने वाले नहीं जाएंगे, अभी सितारे गर्दिश में ही रहेंगे। हाँ, ये देकर जाएंगे, इनका एनआरओ नहीं होगा, गिव एंड टेक होगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद अली हैं और अली जरी साहब मौजूद हैं। जरी साहब, आपने कभी पॉलिटिकल की? पॉलिटिकल जो है वो मेरा जॉनर तो नहीं है, बट उसको करते हैं, स्टडी तो करना होता है जाहिर, क्योंकि जाहिर लोग पूछते हैं और पॉलिटिक्स वाले भी आ रहे हैं वो तो भी आते हैं, वो तो आते हैं, पूछना है, वो पढ़ना होता है, समझना होता है। अच्छा, नॉर्मल हालात है जिंदगी में, अगर ये चीजें हम कैलकुलेट करके चलें तो कितना हमारी लाइफ में, रोजमर्रा जिंदगी में या जो भी प्रॉब्लम्स हैं, इनको डील करने में आसानी हो सकती है? डेफिनेटली अल्लाह के हाथ में है, होना ना होना, लेकिन एक गाइडेंस मिल जाए तो कितना अच्छा। ये आप समझते हैं कि ये एक चीज़ पॉजिटिव रहती है कि आप अगर गाइडेंस ले लें तो आपको भी हेल्पफुल होते हैं मेंटली प्रिपेयर्ड रहें चीज़ों के लिए? हम लोग जो हैं अमिस्ट हैं, एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं या ऑकल्ट साइंसेस हैं, जस्ट लाइक महकमा मौसमियात, ठीक है जी। महकमा मौसमियात का जो रोल है, हमारा भी वही रोल है। हम बता देते हैं कि भाई बारिश है, जैसे महकमा मौसमियात बताता है बारिश है तो ये नहीं करना, आंधी तूफान आएगा तो ये नहीं करना, तो वी जस्ट बस एक प्रेडिक्शन होती है, हमने बताना होता है कि जनाब ऐसे कर लें, ऐसे कर लें। अच्छा, कुछ डॉक्टर मिथ्स भी होती हैं कि हम बिल्ली गुजर गई, काले कपड़े नहीं ज्यादा पहनने, कुछ इस तरह के मामला, तो ये भी क्या इम्पैक्ट होता है इनका? देखिए जी, रंगों का इम्पैक्ट है, बिल्ली के इम्पैक्ट का मुझे नहीं पता। ठीक हो गया जी, ये मिथ्स होती है ना। मैंने 30 साल से ज्यादा का अरसा गुजार दिया इस काम में, मुझे बिल्ली का मिथ वाकई आज तक मुझे भी समझ नहीं आया। ये एक अलग रिसर्च टॉपिक पे, इस पे कभी दोबारा इस पे हम प्रोग्राम करेंगे पूरा कि बिल्ली ने रास्ता काटा है तो क्या इम्पैक्ट है। सब वहम है जी, बिल्ली बिल्ली का कुछ नहीं होता। जो कलर्स हैं उनका इम्पैक्ट आता है? देखिए जी, काले रंग का इम्पैक्ट उन लोगों के ऊपर आता है कि जिनको मरीख जो है उसके साथ कोई मामला है, यानी प्लैनेट्स को लेके कलर्स को अगर आप ले लेते हैं तो ठीक है। सैटर्न जो है वो रेड कलर में है, मरीख जो है वो ब्लैक कलर में है, ठीक है। इसी तरह से जो स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, उनको अगर हम ले रहे हैं अपनी ट्रीटमेंट में तो फिर कलर्स का इम्पैक्ट है, ठीक है। डेज का भी इम्पैक्ट है, ठीक है, ठीक है जी। मगर ये कहना कि जी काला रंग ना पहना, वो उससे नजर जरूर लग सकती है मगर उससे और कुछ नहीं कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। बड़े साहब, हमारे साथ कॉलर भी आ चुके हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या पूछना चाहेंगे शकील साहब? मैंने पूछना है कि मेरे माली लाल कब तक ठीक हो जाए? आपका नाम, सॉरी आपकी डेट ऑफ बर्थ? ये है 30 अक्टूबर 1985। और साथ में आपकी वालदा मोहतरमा का नाम? बुशरा बीबी। बुशरा बीबी, ठीक हो गया। आप लाइन पे रहिएगा ताकि आपसे कोई अगर और सवाल भी करना हो तो डॉक्टर साहब पूछ लें। इनके माली हालात जो हैं वो गैर जरूरी अखराजात की वजह से डिस्टर्ब हुए, ठीक है, ठीक है। और क्योंकि इनकम जितनी रही है उस हिसाब से एक्सपेंस नहीं रहा, सही, तो ही हैज टू कीप अ बैलेंस, अपना जो है ना अखराजात और इनकम उसमें एक बैलेंस बना लें तो फिर सेविंग्स की तरफ ये जाएंगे। और दूसरा ये है कि अपनी जो जो है ना इंसान की जबान है वो दोस्त भी बनाती है और दुश्मन भी बनाती है, तो थोड़ा सा कंट्रोल, अच्छा बातचीत पे जरूर, बातचीत पे कंट्रोल रखें, ठीक है। बहुत शुक्रिया शकील साहब आपके कॉल करने का। नेक्स्ट कॉलर जी हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। कामरान साहब हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम जी। कामरान बोल रहा हूँ इंदौर से। जी जी बताएं, क्या कहना चाहेंगे? जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 14 अगस्त 1988। 14 अगस्त 1988। और वालदा मोहतरमा का नाम? जी नुसरत दीदी। नुसरत दीदी, हाँ जी। 3-4 माह से मेरी तबीयत बेहतर नहीं हो रही और डॉक्टर कह रहे बिल्कुल ठीक है, ठीक हो गया। ये अपने बारे में, हाँ जी अपने बारे में पूछ रहे ना? जी 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 जी। इनको चाहिए कि अपने अपने टेस्ट करवाएं, क्योंकि इनकी जो हेल्थ है वो किसी बड़ी बीमारी की इंडिकेशन दे रही है। अच्छा, हाँ जी, ये नंबर 5 है। तो इनको चाहिए कि ये अपनी जो है ना प्रॉपर मेडिकेशन करें, लापरवाही ना करें, ठीक है, क्योंकि यही डेज हैं कि इसके अंदर अगर डिटेक्शन इनके प्रॉब्लम की हो जाती है तो अगले 2-3 महीने में इनका इलाज जब शुरू हो जाएगा तो ये ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। इनको ये चाहिए कि दुरूद मुस्तगास जो है, दुरूद मुस्तगास, ठीक है, दुरूद मुस्तगास ये आज से ही पढ़ना शुरू कर दें, रात को सोने से पहले पढ़ लें या फजर की नमाज के बाद, तो इलाज की तशखीस में भी आसानी होगी इंशाल्लाह।
اور علاج کے اندر بھی آسانی اللہ پاک دے گا. لولی لولی. اچھا عزیزی صاحب, اس طرح جو آپ پامسٹری کی بات کر رہے تھے ہاتھوں کے علاوہ, چونکہ آپ فوکس بھی کرتے ہیں اس پہ, تو اس طرح سے جو کالرز آتے ہیں ڈیٹ آف برتھ وغیرہ کا آپ لوگ؟ ڈیٹ آف برتھ سے بھی میں کر لیتا ہوں. جیسے یہ ہیں, ان کو میرے حساب میں ان کے خون کے مسائل سامنے آئے ہیں, مے بی ہو سکتا ہے ان کے بلڈ پریشر کا معاملہ زیادہ ہو اور ان کا خون گاڑھا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, میرے حساب کے مطابق. اور بس صدقہ دیں, یہ صدقہ دیں, 600 گرام گوشت کا صدقہ دیں. ٹھیک ہے. تو اچھا, صدقہ بھی بہت امپیکٹ ڈالتا ہے آپ کی اس میں؟ بالکل جی, صدقہ جو ہے وہ موت تک کو ٹال دیتا ہے. صدقہ اتنا پاورفل ہے, پاورفل ہے صدقہ دینے کے. اگر دن آپ کو صحیح پتہ چل جائیں اور اوقات صحیح پتہ چل جائیں تو وہ آن اسپاٹ وہ چیز ہو جاتی ہے. اوور آل ویسے بھی صدقہ جو ہے وہ اللہ پاک نے کہا کہ دینا چاہیے, کیونکہ یہ ڈائریکٹ کام آپ اللہ پاک کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں, اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہو گیا. زبردست. کوئی میسج آپ دینا چاہیں ہمارے پلیٹ فارم سے لوگوں کو, جو اوور آل ایک ہوتا ہے میسج, جو کیونکہ آپ کی جو فیلڈ بھی ہے اس میں آپ اسپریچولی بھی گائیڈ کرتے ہیں اور دوسری چیزوں میں, کوئی میسج آپ ہمارے دیکھنے والوں کو دینا؟ میں یہی کہوں گا جی کہ سب سے زیادہ جو پاورفل ہے ذات وہ ظاہر ہے اللہ کریم کی ذات ہے, اس کے بعد اگر کوئی ذات ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, پنچتن پاک ہیں. تو میں میسج یہی دوں گا کہ ہمارے جو آج کے مسائل ہیں اس کے اندر دین سے دوری اور نماز کی پابندی نہ کرنا اور درود پاک کی کثرت نہ کرنا, یہ ہماری پہچان ہے, یہ ہمارے سمبلز ہیں جن سے ہم پہچانے جاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. تو ہمیں یہ کرنا ضروری ہے. میں سب سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ درود پاک کی کثرت جتنی کر سکتے ہیں وہ کریں, اللہ پاک راستے آپ کے لیے, آپ کی جو مشکلیں ہیں نا ان کو آسان کرنے کے راستے آپ کو دکھائے گا, اور اس کے بعد درود پاک کی برکت سے آپ کی مشکلیں آسان بھی ہوں گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. کوئی آپ بھی چھوٹا سا میسج؟ میں یہ میسج دینا چاہوں گا کہ وہم میں مبتلا نہ ہوں, جتنے بھی اپنے سننے اور دیکھنے والوں کے وہم میں مبتلا نہ ہوں, اور اپنی کوشش پر یقین رکھیں اور ہمیشہ سے کوشش کرتے جائیں, آگے بڑھتے جائیں. ناکامیوں کا ایک دور ہوتا ہے, وہ ختم ہو جاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو رد نہیں کرتا. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ آپ دونوں کا. جناب آج کا انٹرسٹنگ ٹاپک میرے لیے تو بہت رہا, اور میں کوشش کروں گی کہ ہم آن اینڈ آف اس طرح کی چیزیں ڈسکس کرتے رہیں, اور آپ کی کالس کا سلسلہ بھی آتا ہے تو ہمیں بھی کسی نہ کسی طرح اگر آپ کو گائیڈنس مل جائے تو ہمیں بھی اچھا لگے گا. ڈاکٹر محمد علی ہمارے ساتھ موجود تھے, سید علی زیدی بھی موجود تھے. جناب آپ سے اجازت لیں گے, ان شاء اللہ آپ سے ہماری ملاقات ہوگی منڈے کو, لیکن کل ہمارا بیسٹ آف چلے گا, وہ آپ ضرور دیجیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.